अखिल विश्व सरयू पारायण ब्राह्मण महासभा की ओर से समाज के 10वीं तथा 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों का अभिनंदन समारोह 24 अगस्त को शाम 5:30 बजे सिविल लाइन स्थित वसंतराव देशपांडे सभागृह में संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज के कुछ विशिष्ट विभूतियों का भी सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में वाणिज्य कर विभाग आगरा उत्तर प्रदेश के सह आयुक्त व ब्रह्मादेव समाज के संस्थापक पंडित राकेश शुक्ल, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी रामटेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर पंडित कृष्ण कुमार पांडेय, जय महाकाली शिक्षण संस्था वर्धा के अध्यक्ष तथा नारायणा विद्यालय के चेयरमैन पंडित शंकर प्रसाद अग्निहोत्री, कीत पावन ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जोग, आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक, प्रखर कवि व रंगमंच के सशक्त हस्ताक्षर श्री किशन शर्मा उपस्थित थे। अखिल विश्व सरयू पारायण ब्राह्मण महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नारायण मिश्र ने और साथियों ने इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। किशन शर्मा जी की धीर गंभीर आवाज़ यहाँ जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने बरसों तक आकाशवाणी में सुनी है। अखिल भारतीय स्तर के अनेक कार्यक्रमों में उनका मंच संचालन सभी के द्वारा सराहा जाता है। नागपुर में सभी मंच संचालकों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत हैं। श्री किशन शर्मा जी, मंच पर आमंत्रित हैं। इस प्रयास को सम्मान देते हुए आपका हार्दिक स्वागत। भविष्य में भी महासभा के कार्यक्रमों में आपका सहयोग, आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से प्राप्त होगी, यही अपेक्षा हम रखते हैं। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सब जानते हैं केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी प्रमुखता से उपस्थित होने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसी गतिविधि हो गई। कहते हैं कि आपन सोचा होतनी हर चेता तत्काल और बलि जहां आकाश को चला गया पाताल। तो स्थिति कब कैसे करवट ले कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति में अरुण जी जेटली जी का देहावसान हुआ और उनकी तरफ से हमें यह सूचना दी गई कि उनको तुरंत दिल्ली के लिए रवाना होना है, इसलिए वो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन हम लोग बखूबी उनकी उपस्थिति का यहाँ एहसास अवश्य करेंगे। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि अरुण जेटली जी एक कुशल प्रशासक के रूप में फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश के रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि हम सब लोग उनके अपनी आदरांजलि उन्हें समर्पित करें। धन्यवाद आप सभी का। मित्रों, मेरा ये मानना है, मैं हमेशा इस मत का हिमायती हूं, द्विजोह सोदराह सर्वे न विप्रो पतितो भवे, मम दीक्षा ब्राह्मण रक्षा और मम मंत्र समानता। मैं मित्रों इसी लक्ष्य को लेकर के चला हूं, ब्राह्मण एकता को लेकर के ब्राह्मण समुदाय को संगठित करने के लिए तत्पर हूँ और यही मेरा उद्देश्य है। आज
का हमारा ये पिछले 2 वर्षों में आज ये 12वां कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष हम लोग लेकर के आए हैं। परंपरागत तरीके से हम हमारे समाज के जो प्रतिभावान छात्र हैं उनका हर साल हम अभिनंदन का कार्यक्रम करते हैं और बड़े पैमाने पर करते हैं। 2017 में हमने राज्यसभा के सांसद डॉक्टर डीपी त्रिपाठी जी को यहाँ आमंत्रित किया था और उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। बड़ी प्रसन्नता हुई थी और काफ़ी अच्छा प्रतिसाद आप लोगों ने मुझे दिया। उसी प्रकार 2018 में डॉक्टर अविनाश पांडे राज्यसभा सांसद, उनको हमने आमंत्रित किया था और उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ और उसमें भी भारी संख्या में आप लोगों की उपस्थिति रही। और आज भी ऐसे गणमान्य व्यक्तियों के बीच में आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं पुनः आप लोगों का अभिवादन करता हूँ उसके लिए। और आज भी उसी कड़ी में हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं कि जिंदगी में 2 चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि कुछ लोग जिंदगी होते हैं और कुछ लोग जिंदगी में होते हैं। कुछ लोगों से जिंदगी होती है पर कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होती है। तो मित्रों, आप सब लोग हैं, इसलिए हमारी जिंदगी आज बरकरार है और कायम है। बिना आप लोगों के सहयोग के, बिना आप लोगों के प्यार के, बिना आप लोगों के दुलार के, बिना आप लोगों के वात्सल्य के, बिना आप लोगों के स्नेह के, ये संभव नहीं हो पाता कि हम लोग इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का कार्यक्रम कर पाएं। आप लोगों का विश्वास ही है जो हमें प्रेरणा प्रदान करता है और हम लोग इस तरह के कार्यक्रम को हमेशा आप लोगों के सम्मुख लेकर उपस्थित होते हैं, प्रस्तुत करते हैं। मैं पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए और विश्वास दिलाता हूँ आपको आने वाले कल में भी जितना मुझसे हो सकेगा, जितना हमारे समाज से हो सकता है होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा ये संगठन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। मैं बार बार मंच से ये कहता हूँ मित्रों कि हम लोग एक भी पैसा किसी से अनुदान स्वरूप किसी भी कार्यक्रम को जो करते हैं लेते नहीं हैं। एक भी पैसा हम लोग किसी से लेना चाहते हैं, नहीं किसी से अनुदान स्वरूप भी लेते हैं। हम लोग ये पूरा कार्यक्रम, हम लोग अपनी जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे, उनका ही सहयोग हमारे साथ हमेशा रहता है। मैं अपनी कार्यकारिणी का साधुवाद देता हूँ कि ये कार्यकारिणी इतना मुझ पर विश्वास करती है, अटूट विश्वास करती है कि जो मैं कहता हूँ मेरे कहने पर आप लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। इनका ये विश्वास ही है जो मुझे प्रेरणा प्रदान करता है, एक स्फूर्ति देता है, एक ऊर्जा देता है और इसलिए मैं इस तरह का कार्यक्रम करने में सफल हो पाता हूँ। तो पुनः मेरी कार्यकारिणी को और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि एक कार्यक्रम में अभी आप लोग यहाँ, जिस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं उसका भी रसास्वादन आप लोग बहुत जल्द करेंगे और अभी मुख्य अतिथियों को भी 2 शब्द बोलना है। तो मैं ज़्यादा आप लोगों का समय न लेते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ये कहते हुए कि आप लोग हैं तो हम हैं, आप लोगों के सिवा हम नहीं हैं, ये बात ध्यान रखिए और हमेशा हम लोग इस पर तत्पर रहेंगे, कायम रहेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस नागपुर शहर के सारी सड़कों को उजाला प्रदान किया अपने जमाने में, जब एक कंपनी के मैनेजर हुआ करते थे, स्ट्रीट लाइट्स इनके समय में इस नागपुर शहर को मिली। और मैं गर्व से इस बात की घोषणा करता हूं कि इनका काम इतना जबरदस्त रहा कि इन्हें सारे विश्व में उस कंपनी के सर्वश्रेष्ठ मैनेजर का पुरस्कार जिनेवा में दिया गया। नागपुर की सड़कों में रोशनी फैलाने के बाद मिश्र जी फिल्म जगत की तरफ चले गए। कुछ फिल्मों का वितरण, कुछ में इन्होंने धन भी लगाया। फिल्म जगत का उस जमाने का कोई भी कलाकार ऐसा नहीं था जो मिश्र जी से प्रभावित नहीं था। ये चाहते तो बहुत अच्छे निर्माता, निर्देशक, अभिनेता बन जाते, लेकिन ये पर्दे के पीछे रहना ज्यादा पसंद करते रहे। वहां से पता नहीं इन्हें क्या रोग लगा कि ये समाज सेवा, जन सेवा और गरीब लोगों की सेवा में जुट गए। मैंने आज तक आर एन मिश्र जी के दरवाजे से किसी को खाली हाथ वापस जाते नहीं देखा। कोई अपने कष्ट लेकर, कोई अपनी दुख भरी गाथा लेकर इनके दरवाजे पर जाए
वो लौटता है तो मुस्कान लेकर ही लौटता है, दुखी होकर नहीं लौटता। मैं कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ, उसके विस्तार सेवा मंडल का मैं संचालक भी हूँ। अभी पिछले एक पखवाड़े से हमने पूरे नागपुर में लगभग 30 से ज़्यादा संस्थाओं से जुड़कर संस्कृत सप्ताह का, संस्कृत पक्ष का आचरण किया, जिसमें परशुराम संशोधन मंडल ने भी और अखिल भारतीय सरयू पारी ब्राह्मण सभा ने भी उस कार्यक्रम में भाग लिया। मैं मानता हूँ कि अन्य भाषाएं आपको प्रोफेशनल बना सकती हैं, प्रैक्टिकल बना सकती हैं, परंतु हमारा संस्कृत जो भाषा है, जो जीवन शैली है, वो आपको भाव, श्रद्धा और समर्पण देता है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। प्रोफेशनल होने में कहीं कोई लक्ष्य नहीं है। भारतवर्ष के जितने विश्वविद्यालय हैं सब प्रोफेशनल्स पैदा कर रहे हैं, और 18 से ज्यादा संस्कृत विश्वविद्यालय हैं जो श्रद्धा और समर्पण, देश का कल्याण, किसी समाज का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे अंदर श्रद्धा और समर्पण नहीं हो। जहां तक सभा की बात है, संगठन की बात है, तो मैं ऋग्वेद के उस मंत्र को याद करना चाहता हूं, संगच्छद्वम संवदद्वम संपो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे सजानानाम उपासते समानो मंत्रः समीति समानी समानम मनः सहचित्तमेषा। अर्थात हमको सब कुछ एक सभा के रूप में, एक संगठन के रूप में नियंत्रित होने का, एकत्रित होने का जो निर्देश है वो वैदिक काल से आ रहा है। अभी इस कार्यक्रम के पूर्व हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, तो ये हो रहा था कि आखिर हमारी परंपराओं का काल कितना है। मैं जहां भी जाता हूं, मैं इंडिया का रहने वाला हूं ऐसा नहीं कहता, मैं भारतवर्ष का रहने वाला हूं ऐसा उद्घोष आपको करना है, क्योंकि इंडिया की का इतिहास मात्र 2000 वर्षों का है, और यदि हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो करोड़ों वर्षों की परंपरा है। तभी हम वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, महाभारत आदि और रामायण आदि काल की चर्चा कर पाते हैं, और वही हमारे जीवन तो होने का एक प्रमाण है। पुनः तैतरीय उपनिषद में एक वाक्य आता है, वो हम चूंकि आज की सभा में हमारे जो बच्चे पुरस्कृत होने वाले हैं उनके लिए 2-3 उपदेश वहां कहा है। मैं कहूंगा आप आधुनिक विषयों का अध्ययन करें, क्योंकि आप दौड़ में पीछे न रह जाएं, परंतु अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को भी साथ साथ आप लेकर चलें, तो ही आप उन ऋषियों के ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं जिनका दायित्व तो आप पर आता है। इसके लिए तैतृत्व परिषद कहता है, सत्यम वदा धर्मम चर स्वाध्यायान न प्रतिपत्तम धर्मान प्रवर्तव्यम मातृत्वो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। आप मुझे बताइए कौन सा विश्वविद्यालय कहता है कि आप यहां से डिग्री कर ले जा करके मातृदेवो भव कहेंगे। अच्छा, बुद्धिजीवों के लिए यहां नागपुर में कोई समस्या हो रही है तो अग्रज श्री आर्यन मिश्रा जी हैं, राजेश पांडे भाई साहब जी हैं, आदरणीय चतुर्वेदी जी हैं, आप लोग यहाँ बहुत से बैठे हैं, हमारे ब्रह्मदेव समाज महिला प्रकोष्ठ के यहाँ दीक्षा बहन बैठी हैं, अंजू पांडे बहन बैठी हैं, तमाम लोग बैठे हैं, आप लोग सबसे वरिष्ठ हमारे पूजनीय जो है, जितने भी हमारे परिवार के जो है मुखिया, आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। इन लोगों के अनुभवों का आपसे पूछिए, परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है, इन लोगों ने जो चीज देखी है वो आज की पीढ़ी नहीं देख सकती है और ना वैसा कर सकती है। ये लोग जो रहे होंगे, जो इनका अनुभव है, पूरे अपने क्षेत्र को, जो भी अपने ब्राह्मण समाज रहा होगा उसको अपना परिवार समझा होगा, तो ऐसे लोगों की मध्यस्थता से ऐसे छोटी मोटी समस्याओं का जो है हम लोग निराकरण कर लें, उसका समाधान खोजें, तो निश्चित रूप से इससे दो चीजें होगा, एक तो उचित समाधान हो जाएगा और दूसरे हमारे अच्छी संबंध कलुषित नहीं होंगे, उन संबंधों में फिर से मधुरता आएगी। यदि हम अगर थाने चले गए, यदि हमने जो कहीं कोर्ट चले गए, FIR लिखवा दिया या कहीं मुकदमा कायम हो गया, तो वो जो है शत्रुता बढ़ेगी, वो मिटेगी नहीं,
तो हम ये कोशिश करें कि जो भी छोटी मोटी ऐसी हमारे आपसी जो समस्याएं हों उनको हम लोग मिल बैठ करके चार छः बड़े बुद्धिजीवियों के साथ मिल करके उस समस्या का समाधान कर लें। उसके लिए हम कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन आज जगह न जाएं। अंतिम जो है जिसकी बहुत ज़रूरी बात है कि इस बात की हम खुलकर चर्चा करेंगे कि हम एक हो रहे हैं, क्योंकि संगठन किसी जाति या धर्म के विरुद्ध नहीं है। हमारा चाहे सरजू पारेन महासंघ हो, चाहे ब्रह्मदेव समाज हो या कोई भी ब्राह्मण समाज, केवल एकमात्र ब्राह्मणों का ऐसा सम्मेलन होता है जहां पर हम किसी जाति धर्म को गाली नहीं देते हैं। बाकी सभी जगह लोग हमें टारगेट बनाकर बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सुनने पड़ते हैं, लेकिन हमें उनके जैसा आचरण नहीं प्रस्तुत करना है। यदि हम उनकी तरह अशोभनीय आचरण प्रस्तुत करेंगे तो हमें उनमें अंतर ही नहीं रह जाएगा, तब फिर हम अपने को श्रेष्ठ करने के हकदार नहीं है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें उनकी सोच को बदलना है, हमें उन्हें बताना है कि आप लोग जो हमें गाली दे रहे हो, लोग ये कहते हैं ना कहीं कुछ होता है तो ब्राह्मणों ने ये किया, आप सोशल मीडिया से बहुत से लोग जुड़े होंगे, ट्विटर पे आप चले जाइए, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, फेसबुक व्हाट्सएप पे आप चले जाइए, देखिए बहुत कुछ सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सनातन धर्म और संस्कृति को तब तक ध्वस्त नहीं किया जा सकता जब तक ब्राह्मण संगठित रहेंगे। जब तक ब्राह्मणों को कमजोर नहीं किया जा सकता तब तक नहीं किया जा सकता। आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ईसाई मिशनरियां उस तरह से पर्चे तो खुलेआम बांट नहीं सकती हैं, न ही उस तरह से धर्मांतरण करा सकती हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि वर्तमान जो हमारी सरकार है हिंदुत्व को पोषण दे रही है, उसको बढ़ावा दे रही है। तो उनका लक्ष्य मात्र ब्राह्मण है, उसके लिए वो क्या करते हैं, उन्होंने दूसरा एक क्राइटेरिया अपना लिया कि हम हिंदुओं को ही डिवाइड करें, इनमें दलितों को पकड़ें, उनको माइग्रेट करें पूरी तरह से, उनको जो है बरगलाएं कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, मनुस्मृति में ऐसा लिखा है। उनके तर्कों को आप तब तक जब उनको निरुत्तरित नहीं आप कर सकते जब तक कि स्वयं हम अध्ययन न करें, हम जब तक अपने वेदों में क्या लिखा है, हमारी मनुस्मृति में क्या लिखा है, मनुस्मृति में सबसे पहले क्या लिखा है, जन्मना जायते शूद्र। मनुस्मृति जब लिखी गई तब तो जाति व्यवस्था थी ही नहीं, तब वर्ण व्यवस्था थी। एक ही परिवार का सदस्य जो है ब्राह्मण भी हो सकता था अपने कर्मों से, क्षत्रिय भी हो सकता था, वैश्य भी हो सकता था, सब कुछ हो सकता था। तो उसको बताइए ना कि जिस मनुस्मृति को आप गाली देते हो उस पर कभी जूता रख करके उसको जो है उसका अपमान करते हो या हम लोगों को कोसते हो, तो उस मनुस्मृति में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। ये तो बाद की उपज है। शासन की बात आती, ब्राह्मणों ने उत्पीड़न किया, ब्राह्मण ने कहाँ किसका उत्पीड़न किया भाई? अगर जब पहली बार अगर संगठित शासन व्यवस्था जो कायम हुई ये देखा जाता है तो मौर्य वंश है। मौर्य से पहले किसका शासन था? नंद वंश था। नंद किसका था? नंद क्या थे? शूद्र थे। तो शुरुआत अगर देखी जाए तो सबसे पहले तो शूद्रों का शासन रहा है, उसके बाद मौर्य शासन रहा है, उसके बाद वाकाटक कदम आदि कुछ जो है शर्मन वंश, ऐसे कुछ छोटे छोटे जो है राजवंश स्थापित हुए जहाँ पे कुछ दिनों के लिए ब्राह्मणों ने शासन किया। अदरवाइज शासन किसने किया? क्षत्रियों ने किया। उसके बाद कौन आया? अरब आक्रमण हुआ, सल्तनत काल में जो है आए, उसके बाद मुगल आक्रमण हुआ, मुस्लिमों के बाद फिर अंग्रेज आ गए। सभी जगह अगर सत्ता की बागडोर किसके हाथ में रही? गैर ब्राह्मणों के हाथ में रही। लेकिन सबसे बड़ा उत्पीड़क कौन कहा जाता है? ब्राह्मण कहे जाते हैं, क्योंकि हम संगठित होकर के उसका प्रतिकार नहीं कर पाते, हम लोग उनको जो है तार्किक तरीके से उनको बता नहीं पाते हैं। और कहीं न कहीं हमारे अंदर आज भी वो मठाधीशी है, वो चौधराहट है कि कोई भी मामला क्यों न आ जाए, कोई भी मूवी रिलीज क्यों न हो जाए, चाहे उसमें पद्मावती के बारे में सही लिखा हो या गलत लिखा हो, चाहे उसमें जो है किसी के बारे में कुछ न लिखा हो, फिर भी कहा गया हो, फिर भी सबसे पहले ब्राह्मण समाज उसका विरोध करता है, जिसकी वजह से वो भाजन बनता है। तो हमें अपने को संगठित करना है, अननेसेसरी किसी मामले में नहीं कूदना है। यदि ऐसा करेंगे, दूसरी चीज समण समाज को भी हमें संगठित करना, हमें किसी जाति वर्ग से द्वेष नहीं है। सबसे पहले हम अपने ब्राह्मण समाज को संगठित करें, उसके बाद हम समण समाज को संगठित करके अपने विचारों को उन तक पहुंचाएं कि हमारे ये जो है सब संकल्प है, हमारे पवित्र उद्देश्य है, इनकी पूर्ति हमें करना है। फिर हम जितने भी हैं, फिर हम सर्व समाज की एक संकल्पना लेके आगे बढ़े कि सब समाज के लोग हमारे अपने हैं, हम आपको सम्मान देने के लिए आपको तैयार हैं, तत्पर हैं, आपके जैसे भी यदि आप सम्मान के पात्र हैं तो हम आपको सम्मान देने के लिए यहाँ पे हैं, लेकिन आप भी तो हमारे साथ जो है ऐसा व्यवहार करिए, मधुरता का व्यवहार करिए, आप हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार करिए।
जब आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनसे दूरी बना लीजिए, ना उनके साथ कुतर्क करिए, सिर्फ आप अपने काम में लग जाइए कि अपने ब्राह्मण समाज को संगठित करना। Thank you.